बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केबीडो क्रिएशन। केबीडो क्रिएशन के चैनल को लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। सही फेसबुक पेज है केबीडो क्रिएशन के नाम से, उसको भी लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह इंस्टाग्राम पेज है केबीडो क्रिएशन के नाम से, उसको भी लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लेना हो, कुछ पूछना हो, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है 0309 29 13 317 बाय मोहम्मद कामरान भट्टी। कैश ऑन डिलीवर नॉट अवेलेबल, जैश कैश के थ्रू जो है वो पेमेंट की जाती है। जो पेमेंट करेगा पार्सल उसको इंशाल्लाह मिल जाएगा। लाहौर टू लाहौर 2 दिन में 1 दिन में, और जो आउट ऑफ सिटी है वो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बराए मेहरबानी, मिलता तो नेक्स्ट डे में ही है, पर फिर भी 3 से 4 दिन जो है एहतियाती तौर पर आपको हम गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पार्सल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। जो गाँव में है बराए मेहरबानी मुझे बता दिया करें पहले से ही, बाद में आप जो बोलना शुरू करते हैं इस चीज़ की आपकी गलती आपकी होती है, उसका कसूर मेरा कोई नहीं होता। उसमें आप बता दें कि भाई ये गांव में है, ये विलेज में है, तो ये पार्सल हम जाकर लेकर आने वाले हैं, हमें गर्ड डिलीवर नहीं होगा। ये चीज़ का आपको पता होता है, पर आप ऑर्डर दे लेते हैं चलाकी से, और बाद में आप बताते हैं हाँ ये गाँव में रहते हैं, ये पार्सल यहाँ पर सर्विस नहीं पहुँचती, ठीक है। तो फिर आप ये चीज़ बाद में क्लियर करते हैं। तो मैं पहले ही वीडियो में, आप ये मेरी वीडियो जो बन रही है ज़रा लॉन्ग होगी, तो इसमें मैं पहले ही बता दूँ जो विलेज के जो पार्सल होते हैं वो मैं भेज दूँगा दफ्तर में, मैं आपको रसीद सारे सबूत दे दूँगा, जाके आप खुद वहाँ से ले आया करें, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता जो विलेज में है उनके लिए, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवर मैं बार बार कह रहा हूँ नॉट अवेलेबल। जो पेमेंट होती है ना वो जैश कैश के थ्रू इसी नंबर पे ली जाती है। इसके अलावा मेरा ना कोई नाम है और ना कोई पेज है, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई इंस्टाग्राम पेज। मैं 1000 दफ़ा बता चुका, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक कार्ड ही मेरी निशानी है। इस पर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, तमाम केबीडो क्रिएशन के नाम से इस पर जो है वो लिखे हुए हैं, और जीमेल की आईडी भी लिखी हुई है और केबीडो क्रिएशन, और बाकी हम क्या करते हैं ये मटेरियल मोल्ड जो कुछ सेल करते हैं इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लैक कार्ड हमारी निशानी है, ये देख लें। और आज की जो वीडियो है मैं उसके शुरू करने से पहले एक और बात कर दूं कि आप कैटलॉग पे जाएं, व्हाट्सअप के नंबर को सेव करें, उसके साथ होम का बटन होगा उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जल्दी से जाना है होम बटन के ऊपर, होम को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ओपन हो जाएगी, ऊपर लिखा होगा कैटलॉग, उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद उसमें एल्बम्स भी होंगी, पिक्चर आगे पीछे करके आप देख लेना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अप डाउन भी कर लें वो भी आपका चलेगा इंशाल्लाह। तो आप इसको देख लिया करें, जितनी बार आप देखें देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो फ्री में ही है। व्हाट्सअप पे कैटलॉग इसलिए बनाइए कि बार बार लोग प्राइस पूछते हैं ये वो, इसलिए एक दफ़ा बना दिए, जो आता है विजिट करता है इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे चला जाए। जो प्राइसेस हाई हैं वो तो हाई हैं, जो कम है वो कम है, रेट अप डाउन चलते रहते हैं, कुछ के रेट फिक्स हैं और कुछ के जो है मैं अप डाउन होते रहते हैं मेरे, ठीक है। तो ये नहीं कि जो फिक्स कर दिए व्हाट्सएप पे अब मैं वही आपसे लूँगा, नहीं, उसमें 19-20 जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दिल मुतमिन हो तो आप पार्सल मंगवा लेना, ऑर्डर डन करवा लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, ठीक है। रिजक अल्लाह ने देना, बंदे ने नहीं देना, ये मैं आगे भी कहता हूँ, और बेझिझक होकर डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, और तड़ियाँ चढ़ियाँ ये इस तरह की फजूल बातें बिल्कुल भी ना किया करें। हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर दो भाई, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, जब करेंगे ही नहीं तो हमारे से कैसे बुरा होगा, कभी भी नहीं होगा, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। वक्ती तौर पे उसको खुशी तो हो जाएगी, पर ये हमेशा याद रखिए आने वाले वक्त में वही फंसेगा, हमारा कुछ नहीं जाना। ये मैं ज़रा आगाही कर दूं, बहुत सारे लोगों को ना बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, कि उनको मैं ज़रा क्लियर कर ही दूं तो ज़्यादा बेहतर है, कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा गंद मारने वाले जो लोग होते हैं ना ये तंग आ जाते। इतना मैं फ्री नहीं, ना मेरे पास इतना टाइम है, मैंने 3-3, 4-4 जगह जो है वो मैं चला रहा होता हूँ निज़ाम को, तो पीछे कैमरे के पीछे क्या चल रहा है ये आप लोगों को नहीं पता होता। आपको सिर्फ वो जो आंसर आता है ना, आंसर आता है आपको, बस उसकी फिक्र होती है, और तीसरा चौथा पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस चीज़ का इलम होना तो बंदा कभी किसी को ऐसे डट के बात ना करे, और वो भी झूठी बात, ठीक है। अपनी मेहनत पे आए हैं, अपने काम पे आए हैं, जो काम अपलोड किया है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक आपको क्ले की ओरिजिनल रेसिपी भी आपको बता दे। जिसने आया आपसे कोर्स की कमाई की है, कलर की कमाई की है, सारी कमा, हम तो आए लड़के कमाने के लिए, वो तो एक अलग बात है। जिनसे आपने कोर्स सीखा मैं उनकी बात करूँ, आपको सिखाया क्या मुझे पहले ये तो बता दें। रोज़ फ्लावर एक बड़े बड़े सिखा दिए, वो आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। ज्वेलरी की बेस किस तरह से सेट होती है सबको पता है, क्ले बेस के ऊपर रखनी है और ऊपर अरेंजमेंट करनी है, रिंग तैयार हो जाएगी। पर आपको बेसिक टेक्निक, बेसिक फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर जो रोज़ से बिल्कुल हटके हों, ताकि काम में कुछ और नहीं हो, जिद्दत आए ना, कि हाल ही रोज़ फ्लावर रोज़ फ्लावर। ट्रेंडिंग कैसे चलती है, ट्रेंडिंग ऐसे चलती है कि आपको आते ही रोज़ फ्लावर है और आप उस पर काम शुरू कर दें, मशहूर हो जाएंगे जी, शायद ट्रेंड ही ऐसे चल रहा है, नहीं, बनते ही वो हैं
इसलिए फिर उसको कोई चलाना पड़ता है तो फिर ऐसा लगता है सारी जगह यही चल रहा है, वो एक करता है कॉपी, दो करता है, तीन करता है, काम वो होता है जो कॉपी भी ना हो सके, काम ऐसा करें कि पता लगे, ठीक है। कलरों से खेलें, फ्लावर से खेलें, उनकी पेटल्स से खेलें, हर चीज़ को बड़ा बड़ा माइंड में रख के, तो फिर उसको एंजॉय करके, तो बड़ा ही दिल, जब तक दिल मुतमिन नहीं तब तक चीज़ मुतमिन नहीं बनेगी, और चीज़ बनाते वक्त आपका दिल मुतमिन नहीं संभले वो चीज़ कस्टमर को भी पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। सब कहते हैं ज्वेलरी के ऑर्डर ऑर्डर मैं लेता हूँ, जिसका आता है मैं उसको बना देता हूँ, जिसका नहीं आता मैं नहीं बनाता, और कुछ ज्वेलरी मेरे पास शॉप पे ही अवेलेबल होती है, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, किसी टाइम नहीं भी टाइम होता तो कोई चक्कर नहीं है। मोल्ड आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, मटेरियल आपको हमेशा शो करवाया, जो दिया जो बताया जो कलर का हमेशा वही आया। 19-20 हो जाए उसके लिए माजरत, या इसके अलावा कभी कुछ हो गया हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे बेझिझक होकर मैसेज करें, शो करें रात के फजर टाइम करें, मैं हमेशा जवाब देता हूँ, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह होंगे, ठीक है। 19-20 हो जाता है उसको छोड़ दिया करें, कोई बात नहीं, ये इंसान है, ये परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती, इस तरह 19-20 चलता रहता है। ये तमाम बातें क्लियर करना इस वीडियो में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन बहुत हो रहा है लोगों के, फजूल किस्म की बातें वो समझते हैं, बस बंदा फ्री बैठा हो पूछते जाएं, इतनी फीस दे के किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी उनसे ही पूछ लें, वो एक दो क्ले सिखाई, बड़े बड़े फ्लावर्स सिखाए, वो अरेंजमेंट वही जो सब यूट्यूब पर चल रहा है आजकल, या पहले से ही चल रहा है, जो भी मतलब मामला था वो चल रहे हैं, बट ठीक है तो उसको चलाई जाए, ये शेडिंग करना, ये करना वो, ये कोई बड़ा कमाल नहीं होता। फ्लावर कैसे क्रिएट करना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे क्रिएट करनी है, कल वो लॉकेट की ही सूरत में आए, वो एयरिंग की सूरत में आए, वो रिंग की सूरत में ही आए, हर चीज़ की एक फ़ीस होती है, वो पे करता है वही बंदा सीखता है। हमने भी अल्लाह जाने कितनी फ़ीसें पे की हुई हैं, फिर जाके कहीं फ्लावर और वो तमाम चीज़ें जो है ना हमने सीखी हैं की हैं, तो फिर जाके वो प्रैक्टिस कर करके फिर आया। कहने वाले कहते हैं ये तो उसके जैसा, ये उसके जैसा, इस तरह तो अभी रोज़ फ्लावर, फॉमिक शीट के फ्लावर, ग्लिटर फ्लावर, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, फेसबुक और पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया पर ये पड़े हुए हैं भरे हुए, तो फिर उनका क्या करना है, उनके बारे में क्या ख्याल है। मुझे तो आए साल 1.5 साल हुआ है, मुझे जो 13-13, 14-14 साल जिनसे काम लिया, या जिन जिनको देख देख के आप वो कर रहे हो, कभी उन्होंने ये कहा है कि ये मटेरियल आप घर बैठे किस तरह हासिल कर लेते हैं, इतना मतलब किया हुआ है, तो वो भी पीछे दुकान से ही ला के आगे सेल होते हैं, मोल भी पीछे दुकान से ही आते हैं तो आगे सेल होते हैं। अब इतना टाइम तो किसी से सवाल पूछ लो तो वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो इतना टाइम है कि आपको नई से नई चीज़ें क्रिएट कर लो, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब एक दाव पेच होते हैं दिमाग ख़राब करने वाले, वो आप करें वो आप पे डिपेंड करता है, कौन क्या कर रहा है क्यों कर रहा है उससे लेना देना तो मेरा कुछ नहीं। हाँ, पर व्हाट्सएप पर जिसने ये बात की ये आंसर उसके लिए, क्योंकि वो वीडियो इस टाइम वॉच कर रहे ही होंगे और मुझे पता है। ये देखें, ये फ्लावर है क्रिएटिविटी, ये फ्लावर है क्रिएटिविटी, इनकी मैंने इतनी ज्वेलरी बनाई है, इसलिए मैं व्हाट्सअप पे ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शो करना ही छोड़ दिए, चंद मैं अब शो करता, मैं तो ज़्यादा बनाता तो हूँ पर मैं शो ही नहीं करता, मेरा दिल ही नहीं करता कि अब आप लोगों को जो है कुछ फ्लावर मेकिंग या कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जो आपके वाकई आने वाले दौर में काम है, और आप भी 4 पैसे कमा के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर अच्छे कस्टमर के साथ आप काम कर सके, दिल ही नहीं करता। कलर बताए हैं मेरे पास जो कलर है वो कोई झूठे नहीं है, वो मेरे खास कलर है, उनको मैंने खुद उनकी शेडिंग सेट की हुई है और वो फिर कलर तैयार करता हूँ। ये नहीं कि वो रेड कलर आपने मांगा मैं गया तो वो रबट्टे वाले से पैड से कलर लेकर वो आपको पैक करके दे दिए, नहीं, वो मैंने खुद उनकी शेडिंग को इतना सेट किया हुआ है कि जब भी मेहरून चाहिए तो मेहरून आएगा, ब्राउन चाहिए तो ब्राउन आएगा, लाइट डार्क आपने करना है। अब ये देखेंगे ग्रीन है, सी ग्रीन है, और ये ब्लू है, स्काई ब्लू है, ये कितने कलर हैं, ये देखिए कितने कलर हैं इसमें, ये पर्पल देख लें, ज़मीन आसमान का इसके शेड में उसके शेड में फ़र्क देख लें, ये देखें देख लें, ठीक है। ये चीज़ है कलर जो है जो मेरे पास हैं वो बहुत हाई और रिच कलर हैं, वो बड़े हाई कलर हैं, वो जो खुले कलर नहीं है कि चार चार चम्मच डालते जाओ गर्म पानी में और वो हाल लो उसके बाद डाई कर लिया तो वो निकल आए, नहीं, वो एक सूखा ड्राई कोई काम हो उसके लिए चल जाते। क्ले वर्क में ये देखें, किसी को पता ही नहीं कि ये मैंने कैसे कलर पाउडर फॉर्म के कलर यूज़ किया, आप ये देखें कितनी उसकी अच्छी मिक्सिंग हुई हुई है, कोई दानेदार नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने है, इसकी हज़ारों मसाले आपके सामने हैं, हमेशा काम में मैं बताता हूँ, वीडियो का रिजल्ट ब्रल भी आता है, वो ब्लैक आता है, मैं क्या करूँ, मोबाइल जैसे वैसे शूट मैं कर लेता हूँ। पर इसके बाद अब मैं जो बात करने लगा हूँ, कलर देख लें आप, ठीक है, कलर का जिनको इशू आता है ना ये देखो, और कलर को लाइट डार्क, उससे डार्क ये आपकी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आपने करना क्या है, ठीक है। मेरे पास तमाम फ्लावर भी अवेलेबल होते हैं, मोल्ड भी अवेलेबल होता है, लीव्स भी अवेलेबल होता है, गोटा ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, सिख थ्रेड ज्वेलरी, इसके बाद फ्लावर ज्वेलरी, पेपर ज्वेलरी, इस तरह सिरेमिक ज्वेलरी, ऑल ऑफ टाइप क्ले कह लें जिसको आसानी से,
वो तमाम क्ले मेरे पास अवेलेबल होती हैं, मेरे पास तमाम मटेरियल खुला अवेलेबल है, रवा मटेरियल जिसे बोलते हैं, रॉ मटेरियल, रवा मटेरियल कोई बोलता है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। आप जाएं कैटलॉग देखें, इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक पेज देखें, पिक की सूरत में, वीडियो की सूरत में आप जाएं वहाँ पर, आप देखें, आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। जहाँ तक मेरा दिमाग, मेरी जेब या मेरी सोच, मेरे कस्टमर या मेरा अपना दिल मुतमिन जिस चीज़ की इजाज़त देता है, मैं सिर्फ वो चीज़ अपलोड करता हूँ। बेशक किसी ने सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, ये मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया, ये चैनल मैंने किसी एक बंदे की खातिर ये चैनल सिर्फ बनाया, वरना मेरी ज़रूरत ही नहीं थी ये चैनल बनाना। मेरी शॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है, लोग रावलपिंडी से आते हैं, 25-25-30 हज़ार के मटीरियल भी लेते हैं, बॉक्स लेकर आते हैं, कोई बॉक्स लेकर आते हैं, कोई उनको मैं अरेंज कर देता हूँ छपे छपाए, ताकि वो जो कोर्सेज होते हैं, जो फिर उनके 3,000-3,500 की जो डील होती है, उस बॉक्स के अंदर डाल के रेडी करके उनको दिखा के उनके आने से पहले रेडी करता हूँ। वो फिर 30-40 बॉक्स होते हैं, वो ले जाते हैं वो मटेरियल, मतलब पैकेट बना के, यदि 30 स्टूडेंट है तो 30 पैकेट उसके हो गए, इस तरह से वो 30 शॉपर बन जाते हैं। तो कुछ अपना उनका जाती होता है, वो तो उनका अपना है, ठीक है। कभी देखा कोर्स में जो चीज़ शामिल की हो, वही आपको सिखाने वाले टीचर ने भी वही चीज़ दी हो, कभी भी नहीं होगा। वो अपने लिए हट के चीज़ लेगा, और आपको जो कोर्स में आएगा चंद चीज़ें सेम होंगी, बाकी सब चेंज होगा, ठीक है। ये चंद चीज़ों को सोचा करें, ये नहीं किसी ने 13 साल सिखा दिया है तो बस वो सच्चा है, जिसने मोड़ लगा दी कि ये सब मेरा कुछ है, मेरा कॉपी, मेरा फलाना, मेरा ये कॉपी ठप्पा लग गया, चल भाई अब ये उसका है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये प्लंगर कटर है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये फ्लावर है, ये मोल्ड है, टूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टूल होते हैं, ये देख लो, ये क्ले गन है, ये लीव्स है, ये विनर है, ये प्लास्टिक के भी हैं मेरे पास, ये दूसरे वाले हैं, मैं ज़्यादा बड़े ही यूज़ करता हूँ, ताकि मेरा छोटा बड़ा काम एक से ही मतलब कंप्लीट हो जाए। इसको मैं ज़रा आज करूँ साइड पे फ्लावर्स को, इसको प्लंगर कटर को भी पीछे करते हैं। उसके बाद ये देख लें, ये तमाम बॉक्सेस हैं, ये देखो ये मोल्ड है, मोल्ड की क्वालिटी हमेशा चेक कराता हूँ, आज मैं आपको दोबारा से चेक कराता हूँ। ये 20 लीव्स मैंने बनवाए थे, ये मैंने खुद सीखे हैं, फिर मैंने इनके मोल्ड निकाले बनाए, इसकी मैंने प्रॉपर फीस दी है, फिर जाके ये सीखे हुए हैं, ठीक है। 19-20 हो जाता है, क्योंकि मेरा हाथ भी अब सेट हो रहा है, तो करने से ही आता है, जितने कस्टमर होंगे उस हिसाब से ही हाथ सेट होना है। ये तो नहीं ना अपने लिए बना बना के रखना, तो मैं तो लड़का हूँ, मुझे क्या फ़ायदा ज्वेलरी बनाने का, ठीक है। मैं काम वही करता हूँ जो मेरा सेल हो, क्योंकि मैं बिज़नेस पॉइंट से यहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे आया हूँ, और चंद चीज़ें मैं सिखाता हूँ। क्ले मेरे इख्तियार में था, मैंने कहा चलो उसको सिखाता हूँ। मोल्ड भी मैंने सिखाए थे, किसी ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया कि आपने म्यूज़िक क्यों यूज़ किया, ये तो मेरा था। एक म्यूज़िक क्या था, पूरी वीडियो डिलीट कर दी, किसी यूट्यूबर के वीडियो डिलीट करना बहुत मुश्किल काम होता है, बट मैंने कर दी, कोई बात नहीं। मेरा क्या हुआ, मेरा सिलसिला रुक गया नहीं, अल्लाह पाक ने इतना दिया कि उसको सोच भी नहीं सकता। लोग लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब देके ऑर्डर देते हैं, ये याद रखो, 5,000 हो ना जेब में, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ने दिया हुआ है, वो दो ना तो 5,000 सब्सक्राइबर, 6,000 सब्सक्राइबर अकाउंट में, 1,000 सब्सक्राइबर आसानी से आ जाते हैं। पर उन झूठे सब्सक्राइबर ने क्या आपको रिजक देना, नहीं देना। अच्छे सब्सक्राइबर हों, आपके जाती हों, वो खुद ब खुद आए हों, कहा ना गया हो, तो वो चीज़ें भी आपसे लेंगे, परचेज भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। वो ना भी करें तो आपको देखेंगे ज़रूर कि ये बंदा करके आ रहा है, ठीक है। ये बात हक सच की मैंने बताई है, ये कभी आजमा लेना। किसी के 7,000 सब्सक्राइबर होना, नीचे व्यूज़ देखना उसकी, ताज़ी वीडियो के पुरानी के, 10-15 से ऊपर कोई गया नहीं होगा। हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए जो है हमारे सब्सक्राइबर हों या ना हों, कोई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे ना करे, मैंने अपना टारगेट पूरा करना है कि मैंने ये काम करना है, इसमें इन रहना है और इसमें मुसलसल करना है, रुकना नहीं है। मुसलसल करूँगा तो आगे जाके मेरे हाथ में भी अच्छी तरीके से वो काम आ जाएगा और नीटनेस आएगा। और दूसरी बात, जो ब्रेक लगा देते हैं वो काम भूल भी जाते हैं, उनकी सफाई ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो कर लेते हैं पर थोड़ा 19-20 उनके हाथों में आना शुरू, जब 19-20 की गड़बड़ हो जाए वो तवज्जो नहीं देते, वो 19-15, 10-15, 20-15 इस तरह से चला, मतलब काम आगे पीछे होना असर पड़ता है काम पर, ठीक है। मेरा काम है मुसलसल करना। मैंने इतनी फ्लावर ज्वेलरी सेल की, आपकी सोच होनी है, कुंदन ज्वेलरी इतनी सेल की हुई है, एक ही टारगेट के 50-50 पीस बना के मैंने सेल किया। लोग कहते हैं फिर वीडियो क्यों नहीं अपलोड करे, इतना टाइम है मेरे पास, मेरे पास इतना टाइम है, मेरी वीडियो जाके देख लो, शॉर्ट मैं बना लेता हूँ किसी तरीके, अगर बने 2-2, 3-3 महीने में, एक ही महीने में सारी वीडियो अपलोड करता हूँ, एक ही वीडियो 10 बार अपलोड कर देता हूँ, मतलब एक दिन बैठा होना तो 10 वीडियो बनाई तो मैं अपलोड करता पूरा 3-3 महीने में नज़र नहीं आता, ठीक है। मेरा ये तरीकाकार है, या वीडियो बना लेता हूँ फिर अपलोड बाद में कर लेता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ये वीडियो मैंने कब की, अब सेव करके रखी, आज दिल किया बना अपलोड कर दूँ, तो मैं कहा चलो अपलोड भी कर दूँगा, थोड़ा सा इसके साथ उसको बना के बता दूँ। अब ये लीव्स हैं, ये कब के रेडी किए हैं, ये देख लो,
10 बार निकालो 50 बार ये लाइफ टाइम चलेंगे। खराब चीज़ आपको कोई नहीं आती, हल्का सा ये नाखून वगैरह लग जाए तो इस चीज़ को छोड़ दिया करें, ये हल्का सा एक इंसान है हो जाता है। बाकी आपको फटा हुआ क्लियर इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तमाम डिटेलिंग मिलेगी। ठीक है, मोल्ड की प्लेटें लें, मोल्ड लें, प्रोफेशनल मोल्ड हैं ये, जिसको चाहिए लें, अपना काम निकालें। टाइम आगे जिंदगी का बड़ा शॉर्टकट है, उसको निकालें, निकालें फटाफट मोल्ड से। रेडी क्या ज्वेलरी, रेडी कुंदन ज्वेलरी, सिल्थ्रा ज्वेलरी, गोटा ज्वेलरी, हर चीज़ अब बहुत आसान हो चुकी हुई है। फ्लावर नहीं लेने, इस तरह के लीव्स कटर ले लो, इसकी मदद से मैंने बहुत कुछ बनाया। आपको अब सोच होगी ये मैंने जितने हैं बड़े खूबसूरती से इनसे बनाए हैं, कुछ को वैसे बनाया है, पर डिज़ाइन की एक मियार और कीमत देखनी है ना मेरी, तो जाके आप पिक्चर पे अपलोड की हुई हैं उन पे देखें, फ्लावर को देखें। अब आपकी क्ले गलत है, उसमें से निकलता नहीं, ये है वो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है। आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, हैंडल कैसे करते हैं, आपने 13 साल पहले काम किया, 14 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल, उसके बाद आपने स्टार्ट करना, तो वो फिर क्ले वैसी नहीं बनती। जब एक काम मुसलसल ही करता रहे ना बंदा और रुके ना, तो फिर मज़ा आता है, फिर प्रोफेशनली खुद बहुत हो जाती है। ठीक है, इसमें ये कॉपी कर लिया, वो कर लिया। अब एक चीज़, ये मोल्ड है, मैं सेल करूँगा तो इसके डिज़ाइन आगे से निकाल कर कोई कॉपी करके सेल करेगा। ठीक है, इसी तरह ही है, इसी तरह ज्वेलरी है, किसी ने अगर ये क्ले की बना ही लिया, उसने बर्ड्स वो यूज़ किया, मैंने भी अगर वो यूज़ किया, ये किसी और ने भी यूज़ किया है, तो हमेशा याद रखो अगर तीनों से परचेज़ कर लोगे तो तीनों में फ़र्क होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी मेहनत से करे, बेशक एक अदारे से सीखा है पर सबका अपना अपना पॉइंट है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, वो अल्लाह ने अपना अपना मुकाम दिया है, उसको संभालना है, ना कि रेस में लगना है। ठीक है, जो रेस लगाते हैं हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो इसी तरह ये टूल है, टूल का भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो टूल बॉक्स कम्प्लीट है। इनको मैंने 6,000-8,000 में सेल करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल हैं, खाली एक टूल की बात नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे टूल हैं। ये प्लास्टिक के भी हैं, दूसरे भी हैं, ये इस तरह के, ये मेटल के भी हैं। ठीक है, ये ब्रश हो गया, ये रबड़ के, सिलिकॉन के हो गए, और भी बहुत सारे आते हैं। ये देखें एक टूल ये भी है, इस तरह के 3-4 टूल मिलेंगे। ये देख पॉइंट चेक करें, इसका पॉइंट चेक करो, ये देख लो, इस तरह और भी आएंगे आपको नज़र आएंगे, ये देखना, ये सारे नाइफ कटर टाइप, ये वो सारे इसी में ही हैं। ये देखें, ये देख लें, इसके बाद ये है, इसको देख लें, ये देख लें, ये इधर से ऐसे है, ये मेरा लीव्स के लिए है, इससे मैंने फ्लावर क्रिएट करने होते हैं तो मैं ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। ये मेटल है प्योर, ठीक है, मेरे आरती का ख़राब नहीं हो, अगर इनकी नोक कभी किसी चीज़ से लग भी जाए तो वो रेती होती है, उसके साथ इसको साफ करके नीट कर, जो सैंड पेपर मेरे हाल से बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आप यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि सारे काम इंग्लिश में हो, तो बंदे को तजुर्बा होता है ज़िंदगी का, अनपढ़ भी बहुत आगे निकल चुके हुए हैं, पढ़े लिखों से मेरे यहाँ से ज़्यादा ही अनपढ़ ही छाए हुए हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, तो ज़रूरी नहीं। और मैं एक और बात कर दूं कि वीडियो में एडिट नहीं करता, बस जैसी बन गई, बीच में गलत बोली इंग्लिश के लफ्ज़, उर्दू के गलत बोल दी, या अटक गया, ये वो जो भी होता है मैं बना देता होता हूँ, डायरेक्ट जाके एडिटिंग करके अपलोड कर देता होता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं लेता कि ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसको काम होगा ना वो देखेगा, जिसको शौक होगा वो देखेगा, जिसने आगे बढ़ना वो करेगा, तो अल्लाह उसी को लेके जाता है, बंदा जहाँ पे मर्जी रहे। 0 सब्सक्राइबर भी हो गए ना, अगर आपकी चीज़ किसी को पसंद आएगी वो पर्सन आपको व्हाट्सअप करके आपसे मंगवा लेगा, और वही बंदा ऑनलाइन भी सेल कर रहा होता है, इंस्टाग्राम पे भी वो पेज, क्या एक व्हाट्सअप उसने अलग रखा होता है, वो जिससे वो सारी गेमें चला रहा होता है, वो समझता है अगला जो आने वाला वो पागल है, वो पागल नहीं होता, जितने इतने साल सीख के एक हुनर को सीखा है और पता नहीं कितनी मुश्किल से करके फेस करके फिर यहाँ तक पहुँचा और प्रोफेशनल तरीके से पहुँचा है कंप्लीट करके, फिर ही बंदा दुकान खोलता है, तो वही काम मैंने भी किया है, तो खोल के फिर ही हम आए हैं। आप तो भाई जिससे सीख लो वही दुश्मन बन जाता है, सबसे पहली और बड़ी बात और आखिरी बात ही ये है। मैंने अभी किसी से रेजन कोर्स किया कंप्लीट, मेरा आगे भी था, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने अल हमाद से सीखा हुआ है, और उसके बाद मैंने एक कोच था, तो वो मुझे ज़रा पर्सनल काम था, तो मैंने उनको 5,000 फीस दी, उनसे सिखा लिया, उनको बाद में पता लगा के बी डेकोरेशन भाई मोहम्मद कामना बेटी, उसने कहा बेटा ये आपका था, मैं कहा यस मेरा ही है, क्यों, कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आपको सिखाना ही नहीं था, आप तो आगे भी इतने वो हो तो आप तो इससे नुकसान पहुँचाओगे हमें, तो मैं कहा मैंने फ़ीस दे के सीखा अल्लाह वास्ते नहीं सीखा, तो ये बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था। कहते नहीं, हम जिनका पहले ही पेज ऑलरेडी रेडी हो तो हम उन लोगों को सिखाते ही नहीं, तो मैं कहा मुझे भी मकारी करने की आदत नहीं, जो है वो है, जितनी बात पूछी, जितना कोर्स किया, मैंने नाम लिया, अपना नाम दर्ज कराया, वो कराया, अब आपको रिसर्च में पता लगा कि जेन में आया कि ये तो कामरान वो बोला है, ये कोई और नहीं है, तो ये आपकी गलती है, मेरी तो नहीं, गलती तो नहीं, फिलहाल उस्ताद का काम होता है सिखाना, चाहे 100 स्टूडेंट हो एक जैसा बर्ताव करना, पर नहीं करते कोई बात नहीं, टेंशन नो फ्री, आजकल का दौर ही नहीं है,
फीस लेते शर्म नहीं आ रही किसी को, जब कामयाबी हो जाए तो तब शर्म आती है और शोर आता है, ये उसका ये उसका ये उसका। बंदे तेरा नहीं चल रहा तो दूसरों का तो चलने दे, ठीक है। इस तरह के लोग दुनिया में आते जाते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी, हज़ारों आए हज़ारों गए, हमारे हाथ की बात है, डरना किसी चीज़ से नहीं। और मुझे ऑनलाइन नुकसान पहुँचाने से आपका कुछ नहीं होगा, मेरे पास ऑलरेडी शॉप है, मेरा खसारा नहीं होगा ना अल्लाह करेगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का किया नहीं। अगर किया भी हो तो माजरत, अगर मुझे शायद उसने बताया नहीं, अगर किया तो माजरत, अवल मुझे याद नहीं। सिर्फ दो बंदों के अलावा मुझे किसी का नहीं याद कि मैंने किसी का नुकसान एक रुपये का किया हो, बल्कि मैंने उनको नफ़ा ही दिया। जब भी पार्सल खोलेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें ही निकलेंगी, या पूरी निकलेंगी या एक्स्ट्रा ही निकलेंगी, ठीक है। टाइम पर डिलीवर होता है, टाइम पर पैसे लेता हूँ, टाइम पर ही आपका तमाम काम करता हूँ, ताकि आपका मेरी तरफ से तो कोई जिम्मेदारी कोई नुकसान ना हो जिसका आपके पास मुझे बातें सुननी पड़े। अगर हम भी फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सअप के ऊपर, मेरी आदत है जो एक सवाल करता है मैं 50 करता हूँ, बोलने की आदत नहीं होती, कोशिश करता हूँ या अल्लाह इसका ही भला हो जाए, चलो कहीं तो पहुँचे जो हमारे साथ हाथ किए लोगों ने फीसें लेके 60-70 हज़ार, तो इनको नुकसान पहुँचे। 60-70 हज़ार यानी 10-10 कोर्स जो किए हैं ऑनलाइन के, सिरेमिक के, ये वो, ये तमाम के मैं खसारे की बात कर रहा हूँ, ये करके फिर जाके कुछ हाथ में, और बाद में हमें पता लगा हमने उसी काम को सीखने के लिए इतनी फीसें दे दी, हर जगह ही फीस दे दी, और फिर जाके काम आया तो आज हम अपने पास बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन काम ही ऐसा है, ये लोगों पर डिपेंड करता है, पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं या आपको हिडन करके देखते हैं और एंड पे आपसे चीज़ें मंगवा लेता है। मेरे पास ऑनलाइन सुबह सुबह 150 लोगों का मैसेज है, जिसमें से 135 बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया और ऑर्डर भी अच्छे हाथ दिए, ज्वेलरी से लेके मटेरियल तीकर वो अलग हुआ है। तो मैं ये हैरान था कि देखो यार, एक बंदा लाइक करते कितना उसको हो रहा होता दिल में कि करूँ ना करूँ, कहीं आगे ना निकल जाए पीछे ना निकल जाए। कैसे लोग हो यार आप लोग, क्या मुसलमान कहलाने के काबिल हो? मैं तो किस टाइम ये भी सोचता हूँ, पर बट कोई बात नहीं, अपना दीन ईमान लगे रहो, हमारा काम है जो पेमेंट देगा उसका हक उसको पूरा देना, बात खत्म। कोई खुदा ना आसो 19-20 है तो मुझसे रब्ता करे व्हाट्सअप पे, मैं आपको उसका हर्जाना पेश कर दूंगा, नहीं तो आपको पार्सल जो है ना वो जो मुझसे मतलब बन सका मैं कर दूंगा, ठीक है। किसी को कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए हो, जब तक मेरी जिंदगी इंशाल्लाह, आपको ज्वेलरी मेकिंग मटीरियल चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कुंदन सिलथरा, कोई भी मटीरियल, कोई भी चीज़, कोई भी हेल्प चाहिए, इंशाल्लाह मैं करूँगा। और ये याद रखें, अब मैं उधार में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि आगे बहुत फ्रॉड हो चुका है, वो मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं। जो पेमेंट कर देगा अपना पार्सल नेक्स्ट डे में डिलीवर करवा लेगा, ठीक है, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। हमारे पास सेकंड हैंड क्राफ्ट बॉडी मशीन भी होती है, मेटल डाइस भी होती हैं, कुंदन शीट, फ्लैट शीट, सारा कुछ होता है। जाओ व्हाट्सअप पे देखो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ को रिपीट करने का मतलब यही है कि जब कुरान पाक भी पढ़ा जाता है तो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो भी उस्ताद कहता है बार बार पढ़, जब वो बार बार पढ़ता है फिर ही उसको याद होता है कि क्यों बताया। वो कह देना छोटे पर हले बाद चो देखा कि बार 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 बार, जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ती फिर उसको याद आता है, काश मैं वो पीछे उसकी बात पे अमल कर लेता ताकि मुझे ये याद हो जाती, समझ लग जाती प्रोफेशनल तरीके से, तो आज मेरा भी पीछे मुड़ के दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़ती, तो उसको फिर डबल डबल पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ मोल्ड के सहारे या लोगों के सहारे ढूंढना छोड़ दें, लोगों की बातें छोड़ दें, लोगों ने इस तरह ही करना है, जिसका चलेगा उसने कहना दूसरे का तो चला ही ना, या अल्लाह ऐसा ही हो। कभी भी किसी से कोई चीज़ परचेस कर लो, कभी नहीं बताएगा कि मैंने यहाँ से ली, वो आपको कहेगा अली एक्सप्रेस, वो फलाना एक्सप्रेस, वो टमकाना एक्सप्रेस, इस तरह से लोग बातें करते हैं, ठीक है। कभी परफेक्ट जगह और यही नहीं तो फिर दराज का दे देंगे जहाँ पे है ही फ्रॉड सारे, सबके सबूत मेरे पास। मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ घरेलू थी तो वो मंगे सारे फ्रॉड, कोई टी शर्ट निकले, कोई जलाबे निकले, कोई टेप का रोल निकला है, वो जी भी तरीके का, दो पार्सल ठीक होंगे बाकी सारे इसी तरह ही निकले हैं, ठीक है। और फिर कमेंट में भी पता है फिर गालियाँ गलोच तो निकलती हैं फिर ऐसे लोगों को, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किसी को कुछ कहने से पहले आप व्हाट्सअप पे आएँ, उस पर डिटेल हासिल कर लें, देख लें, मैं निकाल लें, वो बंदा फिर क्या रिप्लाई करता है फिर उसके बाद एक्शन लेना वो ठीक होता है, ठीक है। तो सोचे समझे किसी को बुरा कहना या नुक्स निकालने ये अच्छी बात नहीं है। और उन लोगों को खास बात मैं कहूँगा, वीडियो में सारा कुछ शेयर कर दोगे तो फिर आपसे खरीदेगा कौन, मुझे पहले ये तो बताओ। इतने लोग आए हुए हैं, सिखाई जा रहे हैं, जब सिखाने सारे सिखाने वाले होंगे तो खरीदने वाला कौन होगा, जब सब पढ़ाने वाले ही होंगे तो पढ़ेगा कौन इस चीज़ का। आपको नहीं किसी बड़े छोटे ने समझाया कि ये काम क्या है, इतनी फीसें दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर ये आप क्या कुछ कर रहे हो? नुकसान किसी को नहीं होता, कहने का मतलब एक चीज़ की एक वेद होती है, उसके मुताबिक उसको चले तो नुकसान नफ़े से बचता है। कुछ लोग वो हैं वो कहते हैं ये भी नहीं ना ठीक है ये लगा दो,
ये टूल नहीं है, जो टूल की जरूरत है, बेसिक चीज की जो जरूरत है, वो जरूरत पड़नी ही पड़नी है आपको। अगर आपको एक सुई की जरूरत है, किल की जरूरत है, उसके आप सुई नहीं यूज कर सकते। अगर आपको कैंची की जरूरत है तो आप चाकू नहीं यूज कर सकते, आपको कैंची की ही जरूरत होगी। तो इन चीजों का क्ले वर्क में भी यही हाल है। अगर आपको इस टूल की जरूरत है, आप टूथपिक लेकर शुरू हो जाए तो वो आपके वो चीज सफाई नहीं आएगी। आप 50 बारी फ्लावर बनाओगे तो आपके फ्लावर हमेशा डिफरेंट ही आएंगे, आपका एक जैसा हाथ नहीं। अगर आपने 50 सनफ्लावर निकाल लिया तो आपको ये टूल की, अगर मिसाल के तौर पे जब बर्ड्स बनाने के लिए ये टूल की जरूरत पड़ती है, तो आपको जो है इसके लिए वो करना पड़ेगा, ये टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, वो हाथों से एफिशिएंसियां लगा के कभी कुछ नहीं मिला। लोग पब्लिक में जो चीज़ सेल होती है ना शॉप पे, या वैसे आप लोग पूछते रहते हो, आज मैं आपको बता ही दूँ लॉन्ग वीडियो में, जब वो चीज़ सेल होती है ना, तो लोग पहले उसका पूरा मियार चेक करते हैं, पैकिंग कैसी है, चीज़ कैसी है, लुक कैसी है, पीछे से कैसा, आगे से कहता है, जंग तो नहीं लगा, कलर स्कीम क्या यूज़ किया, फ्लावर की हद क्या होगी, पहने हुए अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है, ये मुस्लिम डिज़ाइन में जा रहा है कि इंडियन डिज़ाइन में जा रहा है, ये फलां डिज़ाइन में जा रहा है कि इटालियन में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, वो हर चीज़ की लैक अप करते हैं। तो फिर जाकर वो 350 रुपये का एक एयरिंग सेल होता है, जो तुक्के मार मार के वो झूठे सब्सक्राइबर, झूठे वो कमेंट और व्हाट्सएप पे वो जीवन जो मर्दी बनाई जाओ, तो वो काम यहाँ नहीं होता, सॉरी। बाकी जहाँ पे होता है वहाँ पे जाएं, फिलहाल दूसरे का हवाला मुझे ना दिएगा, मुझे मेरे काम का पता है, किसी के काम का मुझे नहीं पता, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ, जिससे सीखा उसकी ज़रूर मैं सारी ज़िंदगी ताबेदार हूँ, जिसने मुझे ये सिखाया है और प्रोफेशनल तरीके से सिखाया कि बेटा मोल्ड छोड़ो, फ्लावर मेकिंग सीखो, वो 8 साल पुरानी बात आज मेरे काम आई है, सही मायनों में काम आई है। मेरे रात को ये 5-6 फ्लावर इस तरह ही टूट गए थे, इस तरह का ना 8 फ्लावर इकट्ठे टूट गए थे ना, मेरा इनका मोल्ड रेडी किया था। अब मैंने जाके जो है ना इनका फ्लावर बनाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। अब मैं 50 फ्लावर इस तरह हैंडमेड ही बना दी ताकि हाथ भी साफ हो जाए, उसमें 2 गलत हुए, बाकी 18 के 18 जो है ना बिल्कुल ठीक निकले, अल्लाह का शुक्र है, उस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह के काम करें, बाकी आप छोड़ दें करें, और टूल खरीदने हो तो इस तरह के पूरी किट खरीदा करें, 8-9 हज़ार कुछ नहीं जाता, जब जहाँ से पता हो ना प्रोफेशन तरीके से रिजक आना है तो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, तो फिर ही जाके कुछ आता है। मेहनत करो, कार्ड बनाओ, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक पेज चैनल बनाओ और इन हो जाओ, बस तो मेहनत करते रहो, इस तरह से वायरल होते जाओ, कुछ बनाना सिखा दो, कुछ सेल करने के लिए लगा दो, जो सेल किया है एक तरीका करो, एक तरतीब बना लो काम की, तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अगर ये देखना उसका चल गया मेरा नहीं चलेगा, फलाना फलाना अल्लाह ने देना बंदे ने नहीं, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, परसों भी कह रहा हूँ, बेपरवाह के काम करें। अब मुझे इजाज़त दे, बहुत बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है, मुझे इजाज़त दे। और ये देखें, प्योर फ्लेक्सिबल है, कुछ मोल्ड हार्ड होते हैं कुछ वो, अगर आपकी क्ले ही गलत होगी तो मोल्ड में से कभी नहीं चीज़ सही निकलेगी, ये याद रखें। और मोल्ड प्रोफेशनल ही होते हैं, मैं चेक करके प्राइवेट वीडियो क्लिप्स बनाकर फिर सेंड करता हूँ, ताकि कोई झूठ भी बोले तो उसका सबूत मेरे पास पहले ही प्रूफ मौजूद हो, और मैं साथ उसका पार्सल की वो पूरा सामने रखता हूँ, ये तुम्हारा पार्सल है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुमने एड्रेस लिखाया, और ये मैंने मोल्ड बना के ये पैक करके रखते हैं, ये मैंने छोटे छोटे प्राइवेट मोबाइल रखा उसमें क्लिप्स बना के रखा ताकि कोई फ्रॉड ना मुझसे कर सके। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी होगी उसके लिए माजरत, पर डिटेल देना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों को डिटेल नहीं चाहिए होती वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ना आज ना कल ना आने वाले वक्त में, ये हमेशा याद रखो, हर चीज़ के लिए पीछे पूरी मालूमात होना ज़रूरी है, फिर स्टेप उठाते बंदा अच्छा लगता है। अगर मंजिल ही अधूरी है तो कामयाबी का सोच रहे हो तो फिर वो पहली सीढ़ी क्या, दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ना। मुझे दें इजाज़त, जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। देखते रहना केबी डेकोरेशन, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल, कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसको भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, और कार्ड के ऊपर भी मेंशन है, जाकर रिसर्च कर लें या लिंक ओपन कर लें, दोनों सूरत में आपको मिल जाएगा। नंबर एक ही है, नाम कामना भटिया, तलक लाहौर से है, भेज जो ओके ऑर्डर करें, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते। जजाक अल्लाह खैरा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। देखते रहें केबी डेकोरेशन।